होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बोलो बंदा होश में आओ, होश में आओ, जी नाम बताइए। ठाकुर दीन कुमार सिंह गौतम, जिलाध्यक्ष बदायूं, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संघ कन्वेंशन बदायूं से। धरने पे किस लिए बैठे हैं? धरने पर इसलिए बैठे हैं जो कि हमारा 7 सितंबर 2021 से लगातार जो धरना चल रहा है उसमें जो 3 बार समझौता हुआ है उस समझौते का आज तक पालन नहीं किया गया है। इस वजह से हम लोग यहाँ पर आज मुख्यमंत्री कार्यालय पर धरने पर बैठे हुए हैं और जब अभी यहाँ पर जब उठेंगे जब हमारी समस्याओं का समाधान करा दिया जाएगा। कर्मचारी इसमें जनपद बदायूं से, जनपद पीलीभीत, जनपद सांझापुर और जनपद बरेली के भी कर्मचारी हैं। पूरे मंडल की जो समस्याएं हैं जिसको समझौता 7 सितंबर से लगातार अधीक्षक एवं महोदय के द्वारा समझौता किया गया जिसमें बदायूं सिटी मजिस्ट्रेट अमित कुमार जी के मध्यस्थता में भी समझौता हुआ लेकिन उसका आज तक पालन नहीं किया गया है। इन सब समस्याओं को देखते हुए हम लोगों ने चारों जनपदों से मिलकर के मुख्यमंत्री कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे एक दिवसीय और अगर इसके बाद भी हमारी बात नहीं समझौता मानी जाती है तो हम कल दिनांक 5 अगस्त 2022 से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करने को मजबूर होंगे। मांगे हैं हमारे जो मृतक आश्रित कर्मचारी हैं उनको लगाया जाए और जो पूर्व में कार्यरत थे जो कंपनी के आने पर हटा दिए गए हैं उनको बहाल किया जाए और EPF सबसे बड़ी जो मांगे EPF और ESI में जो घोटाला किया गया है उसकी जाँच कराई जाए और हमको न्याय दिलाया जाए। ये एक दिवसीय धरना है और अगर आज इसके समझौता नहीं होता और इसकी समस्या समाधान नहीं होता तो कल दिनांक 5/8/2022 से हम संपूर्ण कार्य बहिष्कार चारों जिलों में करेंगे।